गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल सोल्स, दिस इज डे 10 ऑफ 50 डेज लाइफ रिसेट चैलेंज। जी हाँ, मैं अपने चैनल पर एक 50 डे लाइफ रिसेट चैलेंज कर रही हूँ, जिसमें मैं आदत, रूटीन, एवरीथिंग जो मेरे घर और मेरी लाइफ में विच आई फील लाइक आई नीड टू गेट रिड ऑफ एंड आई नीड टू चेंज, आई एम चेंजिंग। सो सबसे पहले फ्रेशन अप हो गई हूँ मैं। आज मैं मॉर्निंग रूटीन शूट कर रही हूँ अपने चैलेंज का भी, और मुझे रिक्वेस्ट भी आई थी कई कि आप अपना मॉर्निंग रूटीन में कैसे ये हैबिट्स लेके आते हैं, जो मॉर्निंग वाली हैं वो, नाइट वाली हैं वो अलग है, उनको शूट कीजिए। 12 हैबिट्स हैं राइट नाउ जिन पर मैं काम कर रही हूँ। सो सबसे पहले मेरी मॉर्निंग की जो सबसे पहली हैबिट है वो है, जो चैलेंज के अकॉर्डिंग है, कि मुझे 6 बजे से पहले उठना है, ताकि जब तक दिन थोड़े से गर्म होना स्टार्ट हो, मैं दोबारा से अपने 4:30 या 5 AM वाला जो मॉर्निंग रूटीन है उस पे आ सकूं। क्योंकि विंटर थे तो मैं जल्दी उठने की आदत मेरी छूट गई थी, ऊपर से फिर पहले मेरा बेटा बीमार हो गया था, फिर मैं बीमार हो गई था, तो पूरा ही वो रूटीन जो था ना वो थोड़ा सा सिर्फ टास्क के रिगार्डिंग मैं कर रही थी, उतना दिल से मैं रूटीन नहीं कर पा रही थी और मैं खुद भी इंजॉय नहीं कर पा रही थी। जब आप बीमार होते हो यू लाइक आई जस्ट वॉन्ट टू फील नाइस अगेन, आई जस्ट वॉन्ट टू गेट बैक टू माई रूटीन, बेसिकली मेरी भी राइट टाइम वही फीलिंग है। सो आज मैं ऑब्वियसली 6 बजे से पहले उठी हूँ, इसलिए मेडिटेशन कर रही हूँ, अदरवाइज मेडिटेशन एंड गीता रीडिंग में से एक ही हैबिट हो पाती है जब मैं थोड़ा सा लेट उठती हूँ। तो आज मैं बहुत ही पीसफुल एंड काम उठी थी। सो आई जस्ट मेरा गर्म पानी किया, फ्रेशन अप हुई और उसके बाद मैं बहुत ही लंबे टाइम के बाद मैं अपनी मेडिटेशन इंजॉय कर पा रही हूँ आज, एंड यू कैन सी द कामनेस ऑन माई फेस। तो मैं मेडिटेशन करती हूँ, अगर मैं थोड़ा सा आई एम नॉट फीलिंग वेल तो मे बी 5 to 7 minutes, और अगर मुझे मज़ा आ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है तो 20 minutes तक भी स्ट्रेच हो सकती है। 20 minutes का मेरा टाइमर है, उससे पहले भी मैं बंद कर देती हूँ इफ़ आई एम नॉट फीलिंग वेल, एंड इफ़ आई एम फीलिंग रियली नाइस तो 20 minutes के बाद जो टाइमर है वो फिनिश होता है, उसके बाद मैं अपना मेडिटेशन बंद करती हूँ। नाउ आई एम रीडिंग माई गीता, क्योंकि आज मेरे पास टाइम है। दैट्स वाई पता कितना अच्छा होता है ना, जब आप किसी दिन थोड़ा सा जल्दी उठते हो और आपके पास बहुत सारा टाइम होता है, एंड यू जस्ट इंजॉय योर मॉर्निंग रूटीन इफ़ यू हैव एनी। सो बेसिकली आई एम डूइंग दैट टुडे, इसीलिए मैं जल्दी उठी थी कि मैं अपने जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी रिक्वेस्ट है कि मैं मॉर्निंग रूटीन शूट करूँ, तो मैं जल्दी उठूँगी सो दैट आई कैन शूट एंड ऑल्सो इन्जॉय माई मॉर्निंग रूटीन। तो गीता फिलहाल जो यथार्थ गीता है आज से मैंने वो भी पढ़नी स्टार्ट कर दी है, थोड़ा थोड़ा, बहुत इतना डीपली मैं अभी उसके अंदर नहीं घुसी हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। और ये जो गीता है ना, गोरखपुर प्रेस की जो गीता है, ये बहुत ही ईजी लैंग्वेज की है, बहुत ही मिनिमलिस्टिक वाइब है इसकी, विच आई रियली लाइक। अभी तक मैंने जितनी भी गीता पढ़ी है मुझे सबसे अच्छी यही लगी, टू द पॉइंट, जस्ट स्ट्रेट इलस्ट्रेशन है इसमें श्लोक्स का, सो आई जस्ट लव दिस। एंड फिलहाल मेरा फोकस यही है कि मैं इसी को एक बार और रीड करूँगी, एक बार तो राइट नाउ आई एम रीडिंग, एंड एक बार और मैं इसी को रीड करूँगी, तो मे बी जून के बाद शायद मैं यथार्थ गीता जो है उसको स्टार्ट करूँ। तब तक अगर कभी कभी मेरा मूड हुआ ना तो मैं वैसे ही उसको रैंडमली कहीं से भी उठा लेती हूँ, क्योंकि जब मुझे थोड़ा सा, कई बार जब मैं कन्फ्यूज होती हूँ ना तो मैं ऐसा ही करती हूँ कि मैं कोई भी पेज रैंडमली ऐसे ओपन करती हूँ एंड आई जस्ट रीड द श्लोक एंड इट्स इलस्ट्रेशन, और फिर मुझे ऐसा लगता है कि मे बी दिस इज द मैसेज विच आई वॉन्ट टू रिसीव, और मे बी मेरे लिए ये मैसेज है। कई बार इससे हेल्प हो जाती है और कई बार नहीं हो पाती है, तो गीता रीडिंग के बाद मैंने अपने ड्राई फ्रूट्स भी खा लिए हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ माई चैलेंज कि मुझे सुबह ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, और मैं ड्राई फ्रूट्स रात को भिगो के रखती हूँ, उन्हीं का पानी भी पीती हूँ और वो ड्राई फ्रूट्स भी खाती हूँ, और एक ग्लास जो है मैं गर्म पानी पीती हूँ सुबह। तो इस तरह से चाय पीने से पहले मैं 2 ग्लास गर्म पानी पी चुकी होती हूँ, ड्राई फ्रूट्स खा चुकी होती हूँ, विच इज़ अमेजिंग फॉर योर हेल्थ। अगर आपको सुबह उठ के चाय पीने की आदत है, प्लीज़ यू कैन डू दैट। इससे क्या होगा ना, आपको थोड़ा सा गर्म पानी मिल जाएगा, तो वो सुबह कुछ गर्म पीने की आदत होती है ना, चाय भी गर्म होती है, सो उसमें भी हेल्प हो जाती है। ट्राई दैट, मेरी तो बहुत हेल्प हुई, अदरवाइज मैं भी एक टी ड्रिंकर थी जो सुबह उठते ही मुझे चाय चाहिए होती थी, बट
अभी मुझे ऑलमोस्ट एक साल से ऊपर हो गया है एंड आई हैव लेफ्ट माई मॉर्निंग टी ड्रिंकिंग हैबिट. तो ये पक्का से ट्राई करो अगर आपको भी है. बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं अगर आपको सुबह चाय पीने की आदत है तो. सो उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में, क्योंकि अब जो है हमारा कर्म क्षेत्र शुरू हो गया है. क्योंकि अब लंच बनाऊंगी मैं अपने लिए, विहान के लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगी और उसके बाद हम शाम को ही मिलेंगे अपने किचन से और अपने घर से. यही होता है, आई एम अ वर्किंग वूमेन सो वी हैव टू लीव अवर हाउस वेरी अर्ली और शाम को ही आ पाते हैं हम. तो सुबह जितना काम होता है ना उतना काम करके निकलना होता है. सो जो रात को बर्तन क्लीन किए थे सबसे पहले उनको सेट करेंगे, उनको अपनी अपनी जगह अपने अपने घर में बिठाएंगे, बेचारे सूखने के लिए बाहर रखे हुए थे. और उसके बाद जो मेरा ड्राइंग मैट है उसको भी मैंने टांग दिया है ताकि वो भी सूख जाए. एंड आफ्टर दैट आज मैं बनाने वाली हूँ मॉर्निंग में भिंडी की सब्जी एंड रोटी. उसके बाद हम वो वाला अपना काम करेंगे. सो अबाउट द चैलेंज, तो अभी तक हम अपनी मोस्टली 4 से 5 हैबिट्स जो हैं वो मैं मॉर्निंग में कंप्लीट करती हूँ. अच्छा, मेरे पास मेरी मॉर्निंग के लिए इतना टाइम किस कैसे बच जाता है, रीज़न बीइंग मैं सुबह सफाई नहीं करती हूँ. बहुत सारी जो लेडीज़ हैं जो मॉर्निंग रूटीन नहीं फॉलो करती हैं, जिनको रहता है कि मुझे डेली ही पोछा लगाना है, वो रोज़ सुबह सुबह सफाई करती हैं, मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ. सो दिस इज़ वन ऑफ माई हैबिट जो मुझे एक पीसफुल मॉर्निंग देती है. अगर आप भी एक मॉर्निंग रूटीन फॉलो करना चाहते हैं, यू आर अ वर्किंग वूमेन, तो देखिए ऐसा है नहीं कि आप सुबह 4 बजे उठ जाएंगी. यार इतना भी जल्दी हम नहीं सो सकते, 9 बजे थोड़ी ना सो जाओगे आप. और 7 से 8 घंटे की नींद भी आपकी हेल्थ के लिए ज़रूरी है. तो कहीं ना कहीं तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा. सो मैंने वो कॉम्प्रोमाइज़ किया है मॉर्निंग की क्लीनिंग में. मैं अपने घर की क्लीनिंग शाम को आके ही करती हूँ अराउंड 4 बजे के आसपास, क्योंकि मैं 2:30-2:15 के आसपास आ जाती हूँ. 3 बजे मेरा बेटा आ जाता है और आफ्टर दैट मैं 4 बजे के आसपास क्लीनिंग करती हूँ. और मैं डेली क्लीनिंग नहीं करती हूँ, शाम को भी हर रोज़ मैं झाड़ू पोछा लगाने नहीं बैठती हूँ भाई अपने घर में. सो आपको भी देखना है कि कौन सी ऐसी जगह है जो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, ताकि बीइंग एज अ वर्किंग वूमेन बहुत हैक्टिक होता है, बहुत ज़्यादा पूरा दिन आपको लगता है कि आपका एकदम मतलब ऑटोमेटिक मोड पे रोबोट जैसा जा रहा है. तो मॉर्निंग अपने लिए निकालना, अपने मेंटल पीस के लिए निकालना, अपनी हैप्पीनेस के लिए निकालना बहुत ज़रूरी है. जैसे आपकी मॉर्निंग जाएगी ना वैसे आपकी लाइफ जाती है, क्योंकि हमारी लाइफ किससे बनती है, एक एक दिन से जुड़ के बनती है ना हमारी लाइफ. और आपका दिन वैसा ही जाता है जैसे आपकी मॉर्निंग होती है. तो मॉर्निंग आपका अच्छा अगर जाना है ना, तो आप देखो कि कौन सा ऐसा काम है जो आप स्किप कर सकते हो, ताकि थोड़ा सा टाइम आप खुद के लिए निकाल सको, अपने मेंटल पीस के लिए निकाल सको, स्पेशल फील करने के लिए निकाल सको. सो व्हाट आई डू इज़ मैं झाड़ू पोछा, आपने देखा होगा डस्टिंग झाड़ू पोछा, तीनों में से कोई काम नहीं करती हूँ मैं. मैं बेयर मिनिमम जो होता है सुबह वही करती हूँ. सफाई का काम मैंने शाम के लिए रखा हुआ है. वीक में सिर्फ 3 बार ही मैं झाड़ू पोछा करती हूँ. टाइडिंग अप मैं डेली करती हूँ ताकि सुबह मैं जहाँ भी जाऊँ मुझे हर चीज़ क्लीन मिले. वन ऑफ माई चैलेंजेस कि मैं शाम को किचन क्लीन करके ही सोती हूँ, इसीलिए आपने देखा होगा कि मेरी किचन बिल्कुल क्लीन थी जब मैं सुबह आई. मेरा रूम जहाँ पे मैं मेडिटेशन करती हूँ वो भी बिल्कुल क्लीन था जब मैं उस रूम में आई, क्योंकि मैं शाम को टाइडी अप करके सोती हूँ डेली. 5 से 7 मिनट लगते हैं, हाँ किचन में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, पर किचन को क्लीन करना तो मैं बिल्कुल नहीं भूलती. ये तो मेरा रूल है, इसीलिए मैंने हैबिट में डाला हुआ है. मोस्टली करती हूँ, या ऐसा नहीं है कि मैं बीमार हूँ और अच्छा नहीं फील कर रही हूँ तब भी क्लीन करूँगी. यू नो 100% कुछ नहीं होता है, परफेक्शन कुछ नहीं होता है, हम परफेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है. दैट्स वाई मेरे चैनल पर आपको बहुत सारे रीसेट रूटीन मिलेंगे. वो रीज़न यही है कि मैसअप हो जाता है, देन यू नीड अ रीसेट, सो गिव अ रीसेट. तो सब कुछ मेरा किचन का काम हो चुका है, विहान भी रेडी मैंने कर दिया है. और उसके बाद विहान को दिया है एप्पल खाने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह इसको भी मेरी तरह ना कुछ खाने का मन नहीं होता है, रोटी वगैरह. तो इसको ये एप्पल खा लेगा. और बाहर आज धूप नहीं निकलेगी, बादल हैं, शायद बारिश भी आ जाए. मैं जा रही हूँ नीचे. जी हाँ, विहान थोड़ा सा लंच करेगा और टीवी देखता है आराम से बैठ के ये. और मैं नीचे जाती हूँ उसका बैग लेके, इसकी बस का वेट करती हूँ. आई लाइक इट दैट वे, यू नो. उतना भी डिसिप्लिन नहीं करती हूँ मैं अपने बच्चे को कि एकदम रोबोट की तरह डिसिप्लिन रहो. थोड़े से नखरे भी चलते हैं. जो चीज़ इसकी लाइफ को अफेक्ट करती है ना, सिर्फ उसी चीज़ में मैं इसको डिसिप्लिन करती हूँ. हर चीज़ में डिसिप्लिन के पीछे पागल नहीं हुई हूँ मैं. थोड़ा बहुत रीडिंग में भी ऐसा नहीं कि पढ़ाई के पीछे भी मैं बिल्कुल पागलों की तरह लगी रहती हूँ कि मुझे इतने ही मार्क्स चाहिए. बेर मिनिमम जो है बेटा, यू गिव योर 100%, ओके, दैट्स इट.
इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, इन्जॉयमेंट भी होना चाहिए। बचपन रोबोटिक जिएगा तो आगे चल के लगेगा कि मैंने तो बचपन में कुछ किया ही नहीं, सिर्फ पढ़ाई की, घर आके फिर से पढ़ाई की, फिर मम्मा फ़ोन भी नहीं देती थी, टीवी भी नहीं देती थी, तो इतना भी मतलब हर चीज़ इसकी वो रूटीन बना दिया और उसी के अकॉर्डिंग चलना, वो सब मैंने नहीं सिखाया है। इंसान है, उसको समझ में आना चाहिए कि मेरा रूटीन ब्रेक होता है, बट देन आई एम गोइंग टू ट्राई, क्योंकि हमारी लाइफ ना ऐसी होती है, हम एक रूटीन बनाते हैं और अगर उस रूटीन में चलते हुए टूट जाता है ना, तो उसको बिग डील नहीं बनाना है, अदरवाइज हमें लगेगा कि फेलियर हूँ, मैं तो फेलियर हूँ, मैं तो लूज़र हूँ, मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा, और ये वाली फीलिंग बहुत बुरी होती है। आपको ये मानना पड़ेगा मैं इंसान हूँ, हाँ मैं एक रूटीन बनाऊंगा, वो मुझसे एक हफ्ते के बाद या दो हफ्ते के बाद फॉलो अप नहीं होगा, टूट जाएगा, देन आई एम गोइंग टू डू इट अगेन, और यही लाइफ है, ठीक है। खुद से प्यार करना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डिसिप्लिन आप 100% ऑफ द टाइम नहीं रह सकते हो, जब भी डिसिप्लिन टूटे, गेट बैक इनटू योर रूटीन, गेट बैक इनटू दैट डिसिप्लिन्ड वर्जन ऑफ यू इज इम्पोर्टेंट, विदाउट फीलिंग एनी काइंड ऑफ गिल्ट, विदाउट फीलिंग के देखा तुमसे नहीं होगा, तुम तो एक लूजर हो, तुम्हारे बस का है ही नहीं, तुम तो लेजी हो, तुम डिसिप्लिन हो ही नहीं सकते, इन सब थॉट्स को बीट करके, ये थॉट्स आपको आए ही ना, वो तभी होगा जब आप खुद को इंसान मानोगे और पागलों की तरह ऐसे नहीं सोचोगे दैट आई हैव टू बी परफेक्ट, ठीक है। सो विहान जा चुका है और उसके बाद मैंने अपने लिए चाय बनाई और एक रोटी खाई, क्योंकि ये भी मेरा एक वन ऑफ द हैबिट है दैट आई एम ट्राइंग टू मेक, कि मैं सुबह ब्रेकफास्ट ज़रूर करूं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं छोड़ देती हूं। और अब ना हेल्थ आफ्टर 30 आपके हेल्थ में कुछ ना कुछ दिखता है, अगर आप बिल्कुल हैबिट खाने पीने की हैबिट्स पर ध्यान नहीं देते हो तो। सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है आफ्टर 30, अपने नींद, अपना यू नो फूड बहुत ज़रूरी है, हार्मोन्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है, एनर्जी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने जो है थोड़ा बहुत टाइडी अप कर दिया है, क्योंकि देखो भाई अब हम शाम को ही आएंगे और एक क्लीन घर में, क्लीन बेडरूम में आना इज़ लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, यू नो पीसफुल लगता है। तो मैंने अपना गार्डन भी क्लीन अप कर दिया है, बहुत सारे जो प्लांट्स से सूख गए थे वो सब निकाल के फेंक दिए। मेरी मम्मा आई हुई थी एक दिन, शी हेल्प मी अ लॉट, क्योंकि मुझे गार्डनिंग की इतनी नॉलेज है नहीं, तो उन्होंने मेरी हेल्प की, ऑब्वियसली मैंने भी उनके साथ काम किया, ऐसा नहीं कि सारा काम उन्हीं पर डाल दिया मैंने। सो फिलहाल ये सिचुएशन है मेरे गार्डन की, फ्लावर प्लांट्स कोई भी नहीं है, सो आई एम गोइंग टू बाय सम न्यू प्लांट्स, या फिर जो मेरे आसपास पार्क हैं वहाँ से लेके आऊँगी, और उसके बाद इनमें हम अपने जो न्यू प्लांट्स हैं वो लगाएंगे, क्योंकि बहुत सारे गमले जो हैं मेरे खाली हो गए हैं। और ये जो एलोवेरा है बड़े वाला, ये मैं अपनी मम्मा को देने वाली हूँ, क्योंकि वो यूज़ करती हैं एलोवेरा को, सो उनको देने वाली हूँ, वो अपनी क्यारी में उगा लेंगी। ये सारे विंटर क्लोथ्स हैं जो मैंने धो के सुखा दिए हैं, इनको शाम को आने के बाद मैं वार्डरोब अपना रीऑर्गेनाइज करने वाली हूँ, तो इनको मैं बेड में रखने वाली हूँ, सभी को वॉश कर दिए हैं, पूरा मेरा बेडरूम टाइडी अप हो गया है। देखिए जहाँ आप आते ही बैठते हो ना, उसको ज़रूर टाइडी अप करके जाया करो, 2 मिनट लगते हैं। अभी जैसे देखो मैंने बेडरूम मेरे लिए टाइडी अप करना ज़रूरी था, रीज़न क्योंकि मैं आते ही बेडरूम में टाइम स्पेंड करती हूँ, चाय बनाऊँगी, बेडरूम में बैठूँगी, खाना खाऊँगी और टीवी चलाऊँगी, तो उसको टाइडी अप करना मैंने ज़्यादा ज़रूरी समझा, उसको मैं सब मैं नहीं छोड़ सकती, और बर्तन साफ़ करने का मेरे पास अभी टाइम नहीं है, दैट इज़ ओके, क्योंकि ये सिर्फ एक ही जगह यहीं पर रहते हैं, तो अब सीधा शाम को ही बर्तन क्लीन होंगे, इतना टाइम नहीं मेरे पास। सो नाउ आई एम गेटिंग रेडी, और मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे आता नहीं है, अगर आपको आता है बाई ऑल मीन्स, आई एम नॉट हियर टू जज, मैं किसी को मोस्टली जज नहीं करती हूँ, मुझे नहीं आता तो मैं नहीं करती हूँ। मैंने सिंपल सनस्क्रीन लगाया है और फार्म हर्ब्स का काजल लगाया है, क्योंकि मामार्थ का मैंने लगाया था, मुझे सूट नहीं करता, वो ड्राइनेस होती है मुझे, इचीनेस होती है आईज़ में, सिर्फ एक यही काजल है जिससे मुझे कोई ड्राइनेस नहीं होती, कोई इचीनेस नहीं होती, सो आई लव इट। उसके बाद मैंने सिंपल एक लिपस्टिक लगाई है, और लिपस्टिक अगर आप भी मतलब एक वर्किंग वूमेन है ना, तो हमारी लिपस्टिक जो ख़राब हो जाती है, तो मैं जो ये टिंट है डॉटर अर्थ का, इसको मैं सिर्फ मिडल ऑफ माई लिप्स लगाने वाली हूँ, ताकि मैं जब कुछ खाऊं पीऊँ ना तो वो निकले नहीं, वो बीच में से लिपस्टिक चली जाती है ना, वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है इससे। अगर आपके भी लिप्स मेरी तरह पतले हैं ना, तो आप सिंपल न्यूड कलर की कोई भी हल्की सी जो ब्राउनिश शेड में हो, वो लिपस्टिक लेके अपने सिर्फ जो नाक का मिडल वाला पार्ट है लिप्स में, सिर्फ वहाँ वहाँ पर उसको लगा लीजिए लाइनर के जैसे, और फिर उसके बाद उसको टैप टैप करके मिक्स कर लीजिए, ताकि वो अलग से हाईलाइट ना हो लाइनर, और उसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी, लिप्स थोड़े से फुलर लगेंगे, थोड़े से बड़े लगेंगे, पतले नहीं लगेंगे, एंड दैट्स इट। ये ट्रिक मैंने भी ऑनलाइन ही सीखी थी, ऐसा नहीं है कि मुझे, मैं कोई ब्यूटी गुरु हूँ, नहीं आता है मुझे, बट एक कोई आई थिंक ब्रिटिश ब्यूटी
यूट्यूबर थी, उन्होंने बताया था एंड दे रियली वर्क, सो दैट्स वाई। इसके बाद आती है बारी जाने की, और एक हाथ से काम करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि फ़ोन मैंने बैग में डालना है, तो मैंने जो ट्राईपोड है उसे हटा लिया है, सो आई एम ट्राइंग टू वर्क विद वन हैंड। बैग रेडी है मेरा, खाना नहीं लेके जाने वाली हूँ क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट यहीं पे कर लिया है। अगर किसी दिन टाइम नहीं होता है और मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर पाती हूँ तो मैं खाना लेके जाती हूँ, अदरवाइज़ नहीं। अदरवाइज़ मैं अपने बैग में थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स रख लेती हूँ, रेजिन्स वगैरह, और एक जो ग्रनोला बार है योगा बार का वो रखती हूँ ताकि भूख लगे तो वो मैं खा सकूँ। एंड आफ्टर कमिंग बैक चाय पीने के बाद मैंने महाभारत छेड़ ली अपने घर में। महाभारत से मेरा मतलब है मैंने ट्राई किया कि आज मैं कपड़ों का काम ना निपटा दूंगी। आई एम गोइंग टू गो थ्रू एवरी क्लोथ आई ओन कि कौन सा कपड़ा मुझे रखना है और कौन सा नहीं रखना है, ब्रूटली। सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, क्योंकि मैं लाइफ रीसेट कर रही हूँ ना, तो वो हर पार्ट को मैं ये कर रही हूँ कि जो चीज़ मुझे नहीं चाहिए आई एम गोइंग टू थ्रो दैम अवे, आई जस्ट नीड ए फ्रेश लाइफ। सो उसके लिए मैंने जो भी कपड़े हैं, ये ढेर है ना, जो ये है जो कपड़े मुझे फेंकने हैं वो, और अपनी अलमारी मैंने दोबारा ऑर्गेनाइज की है, जो हैवी विंटर के कपड़े हैं वो रख दिए हैं, लाइट विंटर के कपड़े एक आध रखे हैं, और अपनी समर जो क्लोथ्स हैं वो मैंने बाहर निकाल लिए हैं क्योंकि अभी थोड़ा सा बादल से हो गए हैं ना, तो मे बी एक दो दिन और ठंड रहे। एंड उसके बाद मैंने बहुत सारे कपड़े अपने डिक्लटर किए हैं, लाइक अ लॉट, लिटरली अलॉट। और पूरा जो मेरा बेड है ना, उसको भी, उसमें से भी जितने भी कपड़े थे मैंने पूरे सारे बाहर निकाले, उसमें से भी मैं गो थ्रू हुई और अपना बेड भी क्लीन किया मैंने, जिसकी मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाई है, डोंट वरी, पूरा सब कुछ मैंने रिकॉर्ड किया है। हाउ कैन आई डू दैट, यू नो आई एम ए यूट्यूबर नाउ, सो सारा मैंने रिकॉर्ड करके अलग से सेपरेट वीडियो बनाई है, वो एक स्पॉन्सर्ड वीडियो है तो वो अप्रूवल के लिए गई, आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू अपलोड दैट वीडियो। और इतने सारे कलर, समर कलर्स देख के जो मेरी आत्मा प्रसन्न हुई है ना, आई कैन नॉट टेल यू। भले ही मेरा घर धोबी घाट बन गया हो, बट आई एम हैप्पी दैट आई हैव माई समर क्लोथ्स नाउ, बिकॉज मैं परेशान हो गई थी विंटर से, मुझे विंटर उतनी पसंद नहीं है। सो प्लानर जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं फिलअप करूंगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई थी वीडियो। फिर भी अपना चैलेंज पूरा करने के लिए शाम को, वैसे सन सेट हो चुका था क्योंकि मैं कपड़े वगैरह धो रही थी, टाइम नहीं मिला, लेकिन फिर भी मैं शाम को घूमने आई हूँ ऊपर, क्योंकि मैंने मशीन लगा रखी थी, पार्क में जा नहीं पाई तो मैं अपनी छत पर ही घूमने आई हूँ। 20 मिनट मैंने वॉक की, आफ्टर दैट मैं नीचे आ गई। ये था आज का व्लॉग, प्लीज़ अप्रिशिएट, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर भी करना, सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लो, एंड आई लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।